तो यहाँ पे अपना देखो बेस मॉडल में टॉप मॉडल वाली डोर पैनल लगा दी और ऊपर से लगा दी इसमें K4 है ना। और स्विच वगैरह देखो आपको अपने ऐसे मिल जाते हैं, ऑटो वाली वर्किंग। देखो एक बारी में अपना ये ग्लास नीचे गया, देखो कहीं भी आपको लैगिंग देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो देखो एक बारी में अपना नीचे, ये लो भैया को हमने कर दिया फ्री, डैशबोर्ड पट्टी कर दिया भैया को हमने फ्री। मीटर अपना कुछ ऐसा आया था बेस मॉडल में, हमने वो वाला लगा दिया अपने टॉप मॉडल वाला। मारुति जेंटमैन जो सॉकेट टू सॉकेट रहने वाली है, प्रॉपर चलने वाली है, और एक सॉकेट यहाँ रहेगी अपनी मोटर में, मोटर जेन में रहने वाला है। चेक कर सकते भैया अलॉय इसके अंदर काफी अच्छा है। इसके अंदर भैया रहने वाला है DRL जो अपना इंडिकेटर भी चलेगा और पार्किंग पे अपना व्हाइट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर हमने लगा दिया फॉग लाइट IPH का रहने वाला है। तो देखो अपने प्रॉपर वर्किंग मिलेगा, स्विच आपको देखो यहाँ पे मिलेगा अपना, जो कंपनी से नहीं आती, जो अपने शॉप पे और A4 कार एक्सेसरी पे अतुल तिवारी लगा के देगा आपको, जेन्युइन स्विच के साथ और जेन्युइन फ्रेम के साथ, एक नंबर का, एक नंबर। और आपको बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल खुश होकर जा रहे हो आप अपने, है ना, बिल्कुल लगा कि हाँ अन्नू चौधरी की वीडियो देखा है तो बढ़िया पैसे बचे अपने। बिल्कुल भाई, बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं आप तो बिल्कुल खुश होकर जा रहे हैं अपने अंकल जी और दोनों भाई भी, है ना। जब से माइंड बनाया था कि शिफ्ट लेनी है तब से ही हमने सोचा था कि आपकी वीडियो देख देख के हाँ उन्होंने क्या काम करा, इसमें क्या काम करा, कैसे कपड़े टू कपड़े करा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो आई होप सब बढ़िया होंगे, मजे ले रहे होंगे। तो भाई आज लेकर आ गए अपने स्विफ्ट की मॉडिफिकेशन, ब्रांड न्यू रहने वाली है। अभी अपनी गाड़ी घर भी नहीं गई है, डायरेक्ट अपना शॉप पर आई है बेस्ट टू टॉप होने। तो सारी चीजें अभी देखो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज इसमें चेंजेस हो रही है, उससे पहले मिलवाते हैं तुलवाई से। तो क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया भैया। आज क्या लेकर आ गए अपना, जैसा मैंने बता भी दिया अपने व्यूअर्स को, बेस्ट टू टॉप रहने वाली है अपनी LXi आई थी, आज उसको हम ZXi+ में कन्वर्ट करने वाले हैं। A से लेके Z तक जितने भी पार्ट होते हैं अपने गाड़ी के अंदर सारा कवर करने वाले हैं, सारा कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने गाड़ी की तरफ और दिखाते हैं क्या क्या चीज चेंजेस हो रही है और क्या क्या हमने अभी तक कर दिया है ना। तो फ्रंट से इसमें क्या चीज चेंजेस हो रही है अपनी? फ्रंट से बेस के अंदर हमने 220 वोल्ट LED ऊपर डाल दिया है, नीचे अभी हम IPH का प्रोजेक्टर डाल देंगे, फिर DRL हमने इंस्टॉल कर दिया जो अपनी इंडिकेटर पे प्रॉपर येलो चलेगा, पार्किंग पे व्हाइट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम फ्रंट से भी जितने भी काम कर रहे हैं, कपलर टू कपलर कर रहे हैं, RD की सेंटर लॉक लगाने वाले हैं, जो अभी लगा नहीं है, डायरेक्ट बैटरी से सारा पावर निकलेगी इसकी प्रॉपर तरीके से। और साइड प्रोफाइल में भी इसके अंदर हम लगा रहे हैं साइड मिरर, ऑटो फोल्डिंग अपडेट करने वाले हैं इसके अंदर, जिसकी ग्लोसी के साथ रहेगा, मैं आपको लास्ट में कंप्लीट दिखा दूंगा। यहाँ फेंडर गार्निश अपडेट कर देंगे, व्हील कैप अपडेट कर देंगे, हैंडल क्रोम अपडेट कर देंगे। और अंदर से भाई आज चेक करा देता हूँ मैं आपको, पावर विंडो लग रहा है अपना मारुति जेंटमैन जो सॉकेट टू सॉकेट रहने वाली है, प्रॉपर चलने वाली है, और एक सॉकेट यहाँ रहेगी अपनी मोटर में, मोटर जेंटमैन रहने वाला है। अच्छा, तो देखो सारी चीज अपनी जेन्युइन रहने वाली है, मारुति जेन्युइन रहने वाला है, मोटर भी जेन्युइन रहने वाला है। और प्लस पॉइंट पे हम कर रहे हैं इसके अंदर भैया मिंडा के डैम्पिंग, जो अंदर बाहर डबल लेन में करेंगे, साउंड एकदम लाजवाब हो जाएगी गाड़ी का। अच्छा, और क्या चेंजेस हो रही है इसमें अपनी? इसके अंदर भैया एक हम इसके अंदर स्टीयरिंग अपडेट करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, ZXi वाली मीटर अपडेट कर दी, ZXi+ वाली मीटर। अपना कुछ ऐसा आया था बेस मॉडल में, हमने वो वाला लगा दिया अपने टॉप मॉडल वाला। तो इसमें देखो अभी अपना इसमें डैप्स का लग रहा है एंड्रॉइड, और इसमें सारी चीजें देखो अपनी बेस टू टॉप वाली चेंजेस हो रही है। यहाँ लगा दीजिए पिलर लाइट, जिसकी कुछ अपनी ऐसी रनिंग रहने वाली है अपने वजह से। फ्लोरिंग आई है प्रॉपर तरीके से, हर जगह आपने सुना होगा भाई फ्लोरिंग की कोई वारंटी नहीं होती है, लेकिन अपने काउंटर में फ्लोरिंग की भी 1 साल की आपको वारंटी मिलेगी, जो कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आप काउंटर पे ला सकते हो छिलने तक, ठीक है, स्क्रैच प्रूफ होता है प्रॉपर तरीके से। यहाँ अपना देखो ट्रैक्सर का अपने कैमरा लगा दिया AHD। तो अपने देखो अभी कुछ ऐसे ही चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे देखो अपना जो ये ड्राइवर साइड का अपना जो पैनल वगैरह रहता है वो निकाल दिया गया है, और जो कंपनी से आती है देखो ये अपना कुछ अपना हाथ से ऊपर नीचे करने वाला कैची वगैरह होती है, अभी ये सारी चीज चेंजेस हो जाएगी। और इसमें लग जाएगा अपना जिससे आपको देखो अपने स्विच से ऊपर नीचे होगा वो सारी चीज मिल जाएगा अभी आपको ऑप्शन वगैरह। तो अभी देखो अब हमारे भाई लगे हुए हैं ये अपने मारुति से ही अपना जो सारा सामान लगता है वो ही लगाते हैं बस स्पेशली, है ना। और इसके अंदर भी हम 2 चैनल के एम्पलीफायर डाल रहे हैं, एक वायरिंग गेट साउंड ब्लास्ट का डाल रहे हैं, जिससे गाड़ी के अंदर साउंड कुछ ज्यादा ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। और हम इसके अंदर आगे कंपोनेंट पीछे को एक्सल ब्लो पंखा डाल रहे हैं, साउंड लास्ट में मैं आपको चेक करा दूंगा, नेक्स्ट लेवल साउंड रहने वाला है, क्वालिटी वर्क सारी काम हो रही है गाड़ी के। अच्छा अच्छा, तो देखो भाई सारा काम अपना रहने वाला है बिल्कुल ओके, कपलर टू कपलर, है ना, बिल्कुल भैया। तो एक अपने पास ये स्विफ्ट भी आई है, ये अपना गाजवास के पास रहने वाली है ना। तो इसमें क्या क्या चीज चेंजेस हुई है? इसके अंदर फ्रंट से हमने फॉग लाइट अपडेट कर दिया, LED अपडेट कर दिया, हेडलाइट में LED लग गया है, प्लस पॉइंट पे अलॉय चेक कर सकते हो भैया, अलॉय इसके अंदर काफी अच्छा है। इसमें अपना 17 इंच का डिजाइन रहने वाला अपना, है ना। और क्या चीज चेंजेस हो रही है अपनी शॉप पे से? अंदर से भी इसके अंदर पावर विंडो लग गया, इनर हैंडल लग गया टॉप मॉडल वाला, ये टॉप मॉडल वाली अपनी पावर विंडो लग गई है, वहाँ पे अपनी लगनी रह रही है, कैची वगैरह सारी अपनी चेंज हो रही है। और इसमें मीटर चेंज हो गया, एंड्रॉइड लग गया, ब्लॉक पंखा, स्पीकर रहने वाला, फोकल का कंपोनेंट पीछे रहने वाला भी है, मॉडल का अपना
नॉर्मल स्पीकर हाँ। और इसके अंदर भी आगे कंपोनेंट पीछे स्पीकर करने वाला एम्पलीफायर का सिस्टम लग रहा है। इसमें अपना साउंड ब्लास्ट का एम्पलीफायर रहने वाला 4 चैनल बिल्कुल। आगे एक स्टीयरिंग कंट्रोल इसके अंदर अपडेट करने वाले हैं और हाँ। एक डिग्गी लोग अपडेट कर रहे हैं इसके अंदर। तो अपना कुछ ऐसे ही चेंजेस हो रहे हैं इसमें अपना बिल्कुल। तो एक बार इसका साउंड सुना देते हैं अपना। डिग्गी लोग यहाँ लग गए हाँ डिग्गी लोग यहाँ लग गए साउंड और सुना देते एक बार कैसा रहने वाला इसका है ना। तो भाई साउंड इसमें अपना फोकल का रहने वाला है वो भी बिल्कुल अपना फैमिली कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते। एक नंबर अपना साउंड हो गया नेक्स्ट लेवल में। बस इसमें अपना बूफर वगैरह लगाने की देरी है और ये गाड़ी अपना बिल्कुल एक तरह से बढ़िया हो जाएगी। मतलब बूफर वगैरह की बस एक कमी है ना, तो साउंड में अपना जो वोकल वगैरह रहने वाला वो बिल्कुल अपना प्रॉपर एक नंबर रहने वाला है हर चीज से अपना। तो भाई सारी चीजें देखो अपना एक बार चेंज होने देते हैं फिर दोबारा मिलवाएंगे अतुल भाई से कि क्या क्या चीज इसमें चेंजेस हुई है अपनी बेस टूट करने के लिए। तो फाइनली अपनी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है जो अपने पास बेस मॉडल आई थी दिल्ली से ही अपने लोकल से है ना। तो इसमें क्या क्या चीज चेंजेस हुई है अपनी कवर करते हैं सारी अपनी। देखो अभी फ्रंट पे चलते हैं अपना। देखो गाड़ी का कुछ ऐसा लुक रहने वाला है अभी। तो फ्रंट से बात करते हैं फ्रंट में क्या चीज चेंजेस हुई है। अतुल भाई नीचे अपने क्या लगा दिया इसमें ये। इसके अंदर भैया रहने वाला है DRL जो अपना इंडिकेटर भी चलेगा और पार्किंग पे अपना वाइट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद इसके अंदर हमने लगा दिया फॉग लाइट IPH का रहने वाला है जो 130 वोल्ट LED के अंदर इंस्टॉल की गई है विद रिले इंस्टॉल करी गई है। आपकी कंपनी की बैटरी पे भी लोड नहीं पड़ेगा और प्रॉपर वर्किंग भी रहेगी। अच्छा हेडलाइट में 220 वोल्ट हमने इसके अंदर LED अपडेट कर दिया है जिसके 220 लगा दिए जिसमें देखो अपना कुछ अपना ऐसा डीपर वगैरह मिलेगा आपको एक नंबर अपना है ना। रोड पर काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा थ्रो फ्रंट के जो इसके अंदर हमने बेसिक काम किया था फ्रंट में जो आपको LED का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर आप कहते हैं हेडलाइट मॉडिफिकेशन तो वो भी हेडलाइट मिल जाएगी अपने पास। ताइवान वाली चाहिए या चाइनीज चाहिए दोनों ऑप्शन मिल जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पे अपना RS ग्रिल का ऑप्शन मिल जाता है आपको फ्रंट में अपना है ना। काफी वीडियो में हमने देखा भी तो साइड में क्या चीज चेंजेस कर दी अपना। साइड में इसके अंदर हमने मिरर लगा दिया है ऑटो फोल्डिंग वाला जो लॉक अनलॉक को प्रॉपर वर्क करेगा। मैं जैसे आपको चेक करा देता हूँ तो देखो अपने प्रॉपर वर्किंग मिलेगा। स्विच आपको देखो यहाँ पे मिलेगा अपना वो अंदर चेक करवाएंगे। देखो प्रॉपर अपनी वर्किंग रहने वाली है। ऑटो फोल्ड हमने फेंटर गार्निश लगा दिया है। साइड प्रोफाइल आपको काफी ही अच्छा देखने को मिलेगा। देखो अपना इसमें रह जाते हैं लास्ट में अपने जो भैया ने अभी लगवाए नहीं है वो रहने वाले व्हील कवर ना। तो अपना एलॉय का भी ऑप्शन मिल जाता है अपने लुक वाइज में। कंपनी फिटेड रहने वाली जो भैया ने कंपनी से इंस्टॉल करा के आए थे। अच्छा हाँ बिल्कुल। और इसके अंदर हमने साइड प्रोफाइल में कर दिया गाड़ी के अंदर डैम्पिंग ये देखो और ये देखो अपना कुछ ऐसा फर्क मिल जाता है ना। दूर भी काफी हैवी हो गया भाई जितना मर्जी आप आराम से भी बंद करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी गाड़ी को क्योंकि तो काफी अच्छा वॉइस और साउंड के लिए भी काफी अच्छा चीज मानी जाती है। और डैम्पिंग से हमारी गाड़ी में क्या हो जाता है जो चदरे पे लगने के बाद ना आपको ज्यादा हीटिंग अंदर नहीं आएगा। गर्मी के टाइम में भी जितनी हीटिंग अंदर आप गाड़ी पैक करके आएंगे उतनी ही हीटिंग रहेगी लेकिन एक्स्ट्रा हीटिंग अंदर नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा। जो और यहाँ पे अपना क्या लगा दिया ये क्रोम दिख रहा है हैंडल क्रोम भी है यहाँ हैंडल क्रोम लगा दिया गैलियो का जिसकी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। अच्छा पीछे भी लगा दिया अपने जैसे है ना पीछे भी लगा दिया। देखो तो बात करते हैं अपना बैक में क्या चीज चेंजेस हुई है भाई। बैक में भी इसके अंदर हमने मैट्रिक्स वाला पिलर लाइट लगा दी जो मैं आपको चेक करा देता हूं जिसकी रनिंग चेक करा देते हैं एक बार पार्किंग ऑन ऑफ पे। देखो ये कुछ अपने छोटे छोटे बार गिरते हैं ऐसे कुछ अपने ऐसे रहने वाले देखो प्यारा लुक हो जाता है अपना ऑन ऑफ करने पे अपना है ना काफी अच्छा आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। प्लस पॉइंट भी इसके अंदर मैं लगा दिया डिग्गी ओपनर जो कंपनी से नहीं आती जो अपने शॉप पे और A4 कार एक्सेसरी पे अतुल तिवारी लगा के देगा आपको जेन्युइन स्विच के साथ और जेन्युइन फ्रेम के साथ जो भी अपना इसमें रहने वाला है वो भी अपना कपलर टू कपलर जितने भी गाड़ी के अंदर काम होता है चाहे A से लेके Z तक ले लो चाहे A से लेके B ले लो मतलब जैसे भी आप देख लो सारा जेन्युइन होने वाला है। कंपनी के अंदर आप जाकर के अपनी वारंटी भी दिखवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं। और नीचे अपना इसमें लगा है कैमरा लगा दिया AHD ट्रैक्सर का है ना। और जो भी अपना देखो सामान वगैरह है वो अपना भैया को वापसी घर भेज रहे हैं क्योंकि हमारे यूज का नहीं होता। ये ओरिजिनल अपनी क्या रहने वाली है पार्सल ट्रे बिल्कुल। एक चीज और दिखा देता हूँ हमने जो स्टीयरिंग चेंज किया है उसका हब भी हमने बेस मॉडल को उतार के रख दिया। काफी बंदा इसको भी लगा के कस्टमर को खुद्दू बना के भेज देता है लेकिन भाई ध्यान दे जो आपकी गाड़ी के चीजें होते हैं वो प्रॉपर तरीके से आप अपने हाथ से लेके जाए हर एक चीज क्योंकि भैया क्या होता है काफी मार्केट में फ्रॉड भी होता है जो चीजें आपकी वापस बेस मॉडल वाला ही इंस्टॉल कर देगा जिससे आपको पता नहीं लगेगा बाद में पता लगता है जब हमारी स्टीयरिंग कटती है उस समय आपकी दिक्कत करेगा। और ना ही अपना स्टीयरिंग कंट्रोल ऑन होते जो ZX ही प्लस में अपना वर्किंग हो जाती है। क्या होता है कई बार भी वायरिंग से सॉकेट वगैरह बना के कंपनी के वारंटी कार्ड के ना सॉकेट बना के बंदे चालू कर तो देते हैं लेकिन हमारे स्टीयरिंग में कुछ ही दिनों के बाद प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा मतलब हफ्ते भर के अंदर आपको अलाइनमेंट आउट वगैरह दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। तो दिखाते हैं अपना जैसे इसमें अपना डोर पैनल चेंज हुआ है टॉप मॉडल वाला तो वो दिखाते हैं एक बार क्या इसका लुक रहने वाला
क्या कैसा रहने वाला है, तो क्या इसमें फीचर वगैरह मिल जाते हैं अपना। तो यहाँ पे अपना देखो बेस मॉडल में टॉप मॉडल वाली डोर पैनल लगा दी और ऊपर से लगा दी इसमें K4, है ना। और स्विच वगैरह देखो आपको अपने ऐसे मिल जाते हैं, ऑटो वाली वर्किंग। देखो एक बारी में अपना ये ग्लास नीचे गया, देखो कहीं भी आपको लैगिंग देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो देखो एक बारी में अपना नीचे, और यहाँ पे देखो अपना ये ग्लास मैनुअली मिल जाएगा आपको, यहाँ से ग्लास लॉक मिल जाएगा अनफोल्ड, और यहाँ से मिरर लॉक देखो मिरर अनफोल्ड, यहीं से आपको सारे अपने स्विच वगैरह मिल जाएंगे अपने बेस मॉडल में। बिल्कुल एडजस्टिंग में मैं आपको चेक कराता हूँ, देखो अपने प्रॉपर एडजस्टिंग रहने वाली है, वो भी कपलर टू कपलर अपनी सारा जेन्युइन कपलर टू कपलर रहने वाला है। एक भी काम में आपको कहीं से शिकायत देखने को नहीं मिलेगा A4 कार एक्सेसरीज पे, चाहे आप इस चीज का प्रूफ, मैं खैर मैं नहीं बोलूंगा, आपको कस्टमर ही बताएगा। अच्छा अच्छा, तो और क्या चीज चेंजेस हुई है भाई इसमें अंदर से? यहाँ पे हमने थोड़ी लुक लाइट के अंदर ट्विटर शीट लगा दिया, जिसकी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हो। देखो अपने ट्विटर लगा दिया इसमें, अपना क्या रहने वाला सिस्टम वगैरह में? आगे कंपोनेंट, पीछे को एक्सल, साथ में एक एम्पलीफायर डाली साउंड की आउटपुट के लिए। तो भाई एक बार अपना उधर चले जाओ और सारी चीजें देखो, मैं आपके उधर जाने से पहले कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लगा दी अपनी वेलकम प्लेट स्विफ्ट की बैचिंग के साथ, जिसका अपना लुक एक नंबर इनहेंस हो जाती है। और आज लगाई है अपनी अलग ही तरीके की, इसे कहते थे अपनी फ्लोरिंग, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहती जिसकी, है बिल्कुल, जिसकी आप फिटिंग भी चेक कर सकते हो, फिटिंग आपको 0x0 देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल ये देखो एक बार फिटिंग वगैरह देखो अपनी, तो देखो अलग ही लुक और फिटिंग भी प्रॉपर अपनी 0x0 रहेगी, है ना। बिल्कुल भैया, तो और क्या चीज चेंजेस हुई है जैसे अंदर बैठ के अब मैं दिखाता हूँ। इसमें एक तो अपने 70 मैट लगा दिए, वो भी कपिंग साइज में अपना, है ना। तो और इसमें अपना लगा दिया ZXI वाला अपना स्टेयरिंग, और देखो इसमें अपना लगा दिया ZXI प्लस वाला अपना मीटर। तो कुछ ऐसे ही चेंजेस हुए अपना इसमें अंदर से, और इसमें लगा दिया है क्या डेप्स का अपना, डैश का 2GB रैम 32GB इंटरनल वाला हमने स्टीरियो डाल दिया, जिसकी फिनिशिंग मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो भैया, तो देखो भाई अपने बिल्कुल एक नंबर स्पीड रहने वाली है इसकी। इसके अंदर भैया क्या क्या मिल जाता है कंपनी से, तो मैं यहाँ बताता हूँ, मैप मिल जाएगा, प्ले स्टोर मिल जाएगा, वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस पॉइंट पे आपको यहाँ ब्लूटूथ मिल जाएगा, काफी सारी इसके अंदर आपको फंक्शन देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले सेटिंग वगैरह सब आ जाएगा। अच्छा, गेन ऑफ भैया को हमने कर दिया फ्री, डैशबोर्ड पट्टी कर दिया भैया को हमने फ्री, जैसे कि अभी पार्ट्स वीडियो में हमने जो जो बता रखा है वो फ्री कर दिया है ना। ये भैया के लिए रहने वाला है स्पेशली मेरे तरफ से, क्योंकि भैया गाड़ी भैया ने स्पेशली बहुत दूर से लेके आए थे, और गाड़ी के बोले जो भैया बीस टू टॉपी कर दो, शाम के टाइम में आए 4-5 बजे के आसपास, और टाइम हो रहा है भैया 11:30। अब भैया को हम यहाँ से फ्री कर रहे हैं गाड़ी एकदम बुलबुल का बच्चा बना के। और इसमें देखो अपने सीट कवर वगैरह लगी नहीं, क्योंकि भैया ने फिटेड रहने वाली है, बिल्कुल कंपनी फिटेड रहने वाली है। और इसके अंदर भी हमने आर्मरेस्ट लगा दिया स्लाइडिंग वाला, जिसके अंदर आपको काफी अच्छा थिकनेस देखने को मिल जाएगा। और ये अपनी K4 जो लगाई है वो अपना प्रॉपर 120 मोड मिल जाते हैं अपना इसमें, 120 मोड मिल जाती है। अगर किसी को रिकमेंड करें अच्छा अपना कुछ लुक वगैरह दिखाना, तो K4 जरूर लगवाए अपनी गाड़ी में ना। नीचे 10 पीसेस वाली रहने वाली, नीचे भी हमने लगा दी है 10 पीसेस वाली अपनी K4 वगैरह रहने वाली है, जिसमें आपको 120 अपने मोड मिल जाते हैं। और मैं आपको देखो जेन्युइन में बात करूं, तो जेन्युइन में क्या अपना फीचर वगैरह मिल जाते हैं टॉप मॉडल मारे में, तो देखो ZXI प्लस में आपको मीटर में अपने पहले तो मिल जाती है 4 डंडी, मैं आपको दिखाऊं, ये आपको ZXI में भी नहीं मिलती, ZXI प्लस में मिलती है ये जो आपको मिलता है। और तो यहाँ पे देखो अपना डोर ओपन होने पे, देखो मैं अभी डोर ओपन करूंगा, तो यहाँ पे आएगी अपनी स्विफ्ट बनी हुई। देखो तो देखो अपने ऐसे कुछ फीचर वगैरह मिल जाते हैं आपको अपने, यहाँ पे हीटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे फ्यूल का ऑप्शन। और बात करते हैं हम अपनी स्टेयरिंग पे, जो ZXI वाला लगा है, ZXI प्लस वाला भी आपको अपने ऑप्शन में मिल जाता है। तो ZXI वाले में देखो प्रॉपर आपको वर्किंग करके दिखाऊं, तो देखो प्रॉपर वर्किंग होने वाली है, आप डिस्प्ले पर नोटिस करो। तो देखो कम करूंगा कम, यहाँ पे अब देखो म्यूट करूंगा मैं, देखो एक बारी में अपना म्यूट, प्रॉपर अपने वर्किंग रहने वाली। ये आपको डेमो पीस मिल जाता है जब स्विफ्ट में मारुति ये चालू कर देगी क्रूज वगैरह, तो आपको अपने वर्किंग मिल जाएंगे A4 कार एसेसरीज पे। और यहाँ पे अपने देखो ब्लूटूथ कनेक्ट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, ये भी अपने प्रॉपर वर्किंग रहने वाले। अब बात हो जाती है अपनी साउंड सिस्टम की, तो साउंड सिस्टम कैसे रहने वाला है, ब्लो पंख का अपना कंपोनेंट कोएक्सल लगाया है, और डैप्स का अपना ये, तो इसमें एक अपना साउंड ब्लास्ट का एम भी लगा है ना। बिल्कुल साउंड बहुत बढ़िया रहने वाला है, चेक कराता हूं, चेक करा देते हैं, एयरफोन यूज कर लेना अपने। तो भाई साउंड तो अपना एक नंबर हो गया इसमें अपना, है ना, जो इसमें अपना ये साउंड ब्लास्ट का एम्प लगा है ना जी, ये अपना एक नंबर साउंड कर देता है अपना बिना बेस ट्यूब के भी अपना, है ना, क्योंकि ये जो साउंड की असली पावर होती है वो निकाल देता है।
है ना, बिल्कुल वॉइस अच्छी हो जाती है, क्लियर साउंड हो जाता है, बेस थोड़ी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बेस की मुझे नहीं लगता गाड़ी में जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, तो भाई अपना बजट क्या रहने वाला है इस गाड़ी में? इस गाड़ी में जो हमने भैया काम किया है, काम की बजट की बात करें तो भैया इसकी बजट आने वाले टोटल गाड़ी के अंदर लमसम 95 से 1 लाख रुपए के आसपास। अच्छा अच्छा, क्योंकि गाड़ी में फिर काम पूरा हुआ है, पूरा हुआ है अपना, टोटल जिसे कहते हैं टोटल काम हुआ अपना, हेडलाइट और टेल लाइट छोड़ के अपना ना। मैं वापस आपको फिर भी बता देता हूँ जो गाड़ी में हमने क्या क्या किया है, जो हमारे भाइयों को एक बार नोटिस हो जाएगी। भाई देखो, ZXI की स्टीयरिंग लगा दी है, मीटर लगा दिए, स्टीरियो लगा दिए 232 के अंदर में, एंड्रॉइड अपने साइड मिरर लगा दिए, कंपोनेंट को एक्सल लगा दिए, ब्लॉपंग का अपना चारों डोर में डैम्पिंग कर दिए, हेडलाइट में 220 वोल्ट LED, नीचे प्रोजेक्टर डाल दिए, DRL डाल दिए, डिग्गी लॉक लगा दिए, पिलर लाइट लगा दिए, पीछे पार्सल ट्रे, पावर विंडो लगा दिए, सेंटर लॉक लगा दिए, उसके बाद अपना जो रहने वाला फ्लोरिंग रहने वाला है, K4 एम्बियन लाइट रहने वाला है, रहने वाला है, और उसके बाद अपना डैशबोर्ड पट्टी रहने वाला LED हेडलाइट की LED रहने वाली, प्रोजेक्टर वगैरह। और देखो सब में मेन चीज अपनी RD की सेंटर लॉकिंग फिलिप की वाली, इसकी आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है घर बैठे बैठे, अपनी इसमें आपको फिलिप की का ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई सारी चीजें देखो, अपना बजट वगैरह बता दिए, चलते बाहर अपना कस्टमर फीडबैक दिवाने, जो अपने प्रॉपर बहुत दिन से वीडियो देख रहे थे, आती उन्होंने भाई से सारा देखो, उन्होंने प्राइस भी बताती सारी चीजें, तो भाई ने कहा कि हम इतना बजट लेगा आप काम कर दीजिए अपना ये सारी चीजें, तो चलते हैं बाहर अपना। तो अपने भाई आए थे हमारी वीडियो देख के, तो कैसा लगा आपको पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लगा जी। आपका नाम? मेरा नाम वीरू है। और आपका? राहुल। और आपका भाई? अरुण। तो कहाँ से आए थे? हम जड़ौदा दिल्ली से। दिल्ली से अपना लोकल से है ना? हाँ जी। तो कितने दिन से वीडियो देख रहे थे? हमें हो गया तकरीबन 1.5 महीना वीडियो देखते थे। 1.5 महीना आपका अनु चौधरी जी। हाँ जी हाँ जी। तो कैसा आपने बता दीजिए, बढ़िया लगा आपको? तो पहले तो ये बताओ, अपने डाउट क्लियर करो जो अपने व्यूवर्स देख रहे हैं अपने 2024 से जुड़े, कि कैसा काम रहने वाला, जैसे मारुति और कपलर टू कपलर, ये कैसा काम रहने वाला आप ये बताइए पहले। एकदम ओके। ओके, मारुति सारे सामान रहने वाला है और काम भी अपना कपलर टू कपलर है ना जी। हाँ, तो आगे भी काम में भाई अनु भाई बहुत मजा आ गया काम में, बहुत अच्छा काम करा आपने, बहुत अच्छा। हाँ जी। और अपनी जो नेक्स्ट कार होने वाली, मैं तो देखने वालों व्यूअर से यही बोलूंगा कि आप अतुल भाई के पास में आए। हाँ। और गाड़ी को एक नंबर करा के भैया हमारे, जो अपनी पिछली वीडियो गई ना पार्ट की, रिसेंटली कल वाली वीडियो देख आए थे अपना पार्ट की वीडियो, जो भी उसमें प्राइस वगैरह जो भी गिफ्ट वगैरह थे वो अपने प्रॉपर दिए, जो भी फ्री था वो दिया अपना है ना। हाँ भैया, मैं भी यहीं पे था तो भैया ने कहा आपकी वीडियो देख आया हूँ, और जो भी है अपना प्राइस वगैरह सारी चीजें बता थी आपको एक एक करके, और वही प्राइस मिला आपको, वही प्राइस मिला है अपना आपको, तो प्रॉपर अपनी बेस्ट टॉप हो गई। हमारे दोनों भाई कुछ बोलिए भैया, कैसा लगा एक बार आप भी अपने? एक नंबर। और आपको बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल खुश होकर जा रहे हो आप अपने, है ना? बिल्कुल लगा कि हाँ अनु चौधरी की वीडियो देखा है तो बढ़िया पैसे बचे अपने। बिल्कुल भाई, बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं आप तो बिल्कुल खुश होकर जा रहे हैं अपने अंकल जी और दोनों भाई भी, है ना? जब से माइंड बना था कि शिफ्ट लेनी है तब से ही हमने सोचा था कि आपकी वीडियो देख देख के, हाँ भाई उन्होंने क्या काम करा, इसमें क्या काम करा, हाँ इसमें क्या काम करा, कैसे कपड़ा टू कपड़ा करा, और किसके पास अतुल भाई जो है। हाँ। इन्होंने अच्छा काम करा। और आपको एक चीज और बताओ कि वीडियो में लास्ट मतलब क्या चीज अच्छी लगती है, जो कस्टमर फीडबैक अच्छा लगता है या क्या अच्छा लगता है? लगता है कि लास्ट में दीवाना चाहिए हर कस्टमर फीडबैक, है ना? क्योंकि आपको भी वहीं से विश्वास हुआ होगा एक तरीके से कि बंदा विश्वास हुआ। हाँ, जब हमारा कोई जब कोई हाँ लिंक नहीं था, बंदे कस्टमर मतलब दुकान वाले तो कुछ भी दिखा दे, बात बनती है कस्टमर फीडबैक पर, जो आज आप भी दे रहे हो अपना, है ना? बिल्कुल भैया, हमारे चैनल में आपको फीडबैक हमेशा देखने को मिल जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस भैया हम बोल देना उससे नहीं होगा, लेकिन हमारे जो कस्टमर बोल देना फीडबैक हमारे लिए वही बहुत है, क्योंकि हमारा काम जो है ना काम देख के बोलते हैं वो, कभी ये नहीं देखते जो शॉपकीपर क्या बोल रहा है उससे उनको मतलब नहीं, उनका काम कैसा हुआ उनको इससे मतलब है। बिल्कुल मजा आ गया ना सर। अनु भाई, हम जब रास्ते में आ रहे थे कम से कम 20-25 लोग दुकान वालों ने हाथ दिए, हम कहीं गाड़ी नहीं सीधा हमें लोकेशन डाल रखा था। भाइयों जो भाई आएंगे उनको क्या आप रेफर करते, रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए भाई साहब, नहीं रास्ते में नहीं 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 हमारे अंकल जी उसमें चले गए, नहीं रुकना चाहिए। हाँ तो तुम्हें और खाल तार लेंगे तुम्हारी। हाँ देखो अंकल जी ने सच बताया रुकने वाले। अतुल भाई के बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात भी करके, बहुत अच्छा लगा। ये
उम्मीद करता हूँ भैया, क्योंकि भैया आए थे ना बिल्कुल 4-5 बजे के आसपास आए थे भैया, और गाड़ी में काम स्टार्ट, एक बार भैया ने छू चाहे कुछ नहीं, और भैया ने ना ही अपना कोई कॉल वगैरह करा था, अपने करोल बाग में एंटर आके ये चीज पूछी थी कि भैया आपकी शॉप का रहने वाली लोकेशन भेज दो हमारे व्हाट्सएप पे, है ना, ना ही कोई पहले अपना कॉल वगैरह। मार्केट में भी इतनी दुकान है ना, पता नहीं लगता, प्लस सर कह रहे थे मेरे को इतने बंदे हाथ दे रहे हैं, तो हाथ देने वाले पे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि भैया फिर हाथ देने वाले जो हाथ देता है ना उसकी खुद की 10% होती है, फिर समझ लो आपकी गाड़ी में ऑक्सीजन कहाँ लगना है, फिर तो जितने से लोकल चीजें होगा वो पीली जाएगी गाड़ी के अंदर, एक तरीके से काटा जाएगा जो है ना। हाँ जी, हाँ जी, हमारे अंकल जी पास के, तो सारी चीजें पता भी कि क्या कैसा रहने वाला है हर जगह, है ना, बिल्कुल, तो अपनी है ना यही फीडबैक रहने वाला था। नेक्स्ट कार उम्मीद करते हैं अपने शॉप पे होने वाली है, बिल्कुल हमारे यार दोस्त खरीदेंगे जरूर आपके पास, बिल्कुल भैया, ओके सर। तो फाइनली भाई अपनी जो अपना कस्टमर फीडबैक इतना अच्छा मिला आज अपना, है ना, तो अपना लोकेशन वगैरह क्या रहने वाली है अपनी? भैया अपना लोकेशन रहने वाला है दिल्ली करोल बाग अब्दुल अजीज रोड A4 कार एसेसरीज, कॉन्टैक्ट नंबर भी 9911567108 मेरा नंबर रहने वाला है, कॉन्टैक्ट कीजिए, काम कराइए गाड़ी के अंदर, कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन करा के ले जाइए गाड़ी नेक्स्ट लेवल बना के, जो गाड़ी देखे तो वो भी पूछे भाई कहाँ से तैयार हो, बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी में आप दूर से चेक कर सकते हो, सिर्फ एलाव की कमी है, बाकी गाड़ी कोई खोल के देख लेगा तो कोई बेस मॉडल प्रूफ कर दे तो मैं मान जाऊँ, बिल्कुल ये टॉप मॉडल में ही अपने कन्वर्ट हो गई है ना, बिल्कुल बिल्कुल लगवाएंगे। हाँ जी, ये जो है ये अलॉय व्हील, हाँ जी, हाँ जी, जी। ये भैया कह रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम रुक जाएंगे, अलॉय व्हील ही डलवाएंगे अपना इसमें, है ना, जो भी अपना होगा। तो एड्रेस वगैरह प्रॉपर नंबर वगैरह बताई दिया आपने, है ना, स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लोकेशन प्रॉपर नंबर अपना दिल्ली करोल बाग में ये दुकान रहने वाली है अतुल भाई की। तो अपना यही कुछ अपनी वीडियो रहने वाली थी, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बाय।